वधु लूट और चोरी की घटना नरोड़ा निकोल और सनपुर में थती हती। आजकल समय बदलाई गयो छे, हवे लूटनी घटना बोपल में घटी रही है। सौथी सलामत गणाता बोपल विस्तार में आजकल लूटनी घटना ने कारण बोपल बदनाम है। गई काले बोपलना एक बंगलोज में मेहता परिवार ने बंधक बनावी लूट कराई। केवी रीते लूटनी घटना घटी आवो जोईए। लूट और चोरी माटे बोपल बदनाम, सतत बीजी लूट की घटना, परिवार ने बंधक बनावी लूट, लाखों की लूट करी होवानी आशंका। बोपल और घुमा विस्तार आजकल तस्करों मानितो बनी रह्यो छे। छेल्ला बे महीना में त्रण करता वधारे चकचारी लूट की घटनाओ सामे आवी छे। पहला नरोड़ा निकोल और कालुपुर में सतत चोरी थती हती, हवे लूटाराओए मूड बदली नाख्यो होय तेवुं लागे छे। बोपल में धामा नाख्या होय तेवुं लागी रह्यु छे। बोपल अने घुमाना खास करीने बंगला में लूटनी घटना घटे छे। गईकाले सामे आवेली आ घटना में वधु एक परिवार लूटायो छे। मेहता परिवार लूटायो, छ लूटाराए लूट करी। बोपलना स्काय सिटी में आवेल एरस्क सोसायटी ना बंगला नंबर 98 ना दृश्य छे। अही लूटनी घटना घटी छे। वहली सवारे 2:45 वाग्यानी आसपास 6 लूटारूओ घुसी आव्या हता अने परिवार ने बंधक बनावी धमकावीने सोनाना दागीना तेमज लैपटॉप नी लूट करी पलायन थई गया छे। आ घटना सीसीटीवी मां कैद थई गई छे, जेमां लूटारूओ बिंदास सोसायटी मां प्रवेश करे छे अने लूट ने अंजाम आपीने फरार थई जाय छे। पूरा मामले फरियादी ने सांभळीए ते शुं कहे छे। आपणे बेटरी एमना फेस ऊपर बेटरी मारी एटले एमने कोई देखायुं नहीं अने जे कई पहेर्युं हतुं अथवा जे कई हतुं ए बधुं लई अने नीचे उतरीने जता रह्या। સવાર થી આ કોઈ એવો ટાઈમ મળ્યો નથી, ચેક થયું નથી। સીસીટીવી માં લૂંટારા કેદ, જાણ ભેદું હોવાની આશંકા। टीवी स्क्रीन पर जोवा मळता आ तमाम शख्स लूटारा छे। आ तमाम शख्स नी उमर नानी छे, परंतु नानी उमर मां लूट अने चोरी ना रवाड़े चढ़ी गया छे। देखाव थी आ तमाम आरोपी पैसादार परिवार ना नबीरा होय तेवुं लागे छे। लूट पहला मेहता परिवार नी रेकी करी होवी जोईए। रात्रे मेहता परिवार ने बंधक बनावी बे शख्सोए बेडरूम मांथी लूट करी हती। बाकीना चार शख्स आड़ा अवड़ा देखरेख राखता हता। लूटारा केवा लागता हता आ अंगे फरियादी ने सांभळीए। लगभग 25 वर्ष थी 40 वर्ष नी उम्र ना हसे। केवा प्रकार ना हथियारों तेमनी साथे लाया हता? हथियारों मा एवुं कई खास हतुं नहीं। हथियार मा तेमनी पासे लाकड़ी अथवा तो एवुं कई मोटू हथियार हाथ मा हतुं नहीं, पण खाली ए टॉर्च थी बीवड़ावता हता अने गन जेवुं दूर थी लागतुं हतुं अंधारा मा, पण एवुं कई हतुं नहीं हथियार जेवुं। अने लगभग गुजराती होय अथवा तो ए टाइप ना माणसो घणा वर्षो थी अहींया रहेता होय नजीक मा एवा लोको लागता हता। गईकाले वहेली सवारे पुलिस ने जाण करवामां आवी हती। पुलिस घटना स्थले पहोंचीने तपास आदरी हती। पुलिसे सीसीटीवी ना आधारे तपास तेज करी छे। तपास करती पुलिस शुं कहे छे ते पण जाणी लईए। ફરિયાદીને ખ્યાલ આવ્યો કે કંઈક અવાજ આવ્યો એટલે દરવાજો ખોલ્યો તો ચાર વ્યક્તિઓ સામે આવે છે અને ટોર્ચ બતાવી અને એમને પહેરેલ લક્કી અને એમને મિસિસે પહેરેલ બંગડી બંને કાઢી આપવાની કહેતા, બંને લક્કી અને બંગડી કાઢી આપેલી અને તરત જ આ લોકો નીચેથી થઈ અને બહારના ભાગે થઈને જતા રહ્યા છે। આ ઘરફોડ ચોરીમાંથી જે બળજબરીથી એને કઢાવ્યું એ બાબતે કોઈ વ્યક્તિને એને બંધક બનાવેલા નથી। ફક્ત ચાર વ્યક્તિઓ ઉપર પ્રવેશ કરી ટોર્ચ બતાવી અને જે પહેરેલી વસ્તુ કાઢી આપવાનું કહેતા ફરિયાદી અને મિસિસે કાઢી આપેલ છે। લૂંટારાએ બંગલામાં કેવી રીતે પ્રવેશ કર્યો? આ સોસાયટીની આસપાસના વિસ્તારમાં ખુલ્લા ખેતર આવેલા છે, જેથી આ લૂંટારૂઓ દિવાલ કૂદીને સોસાયટીમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને બંગલા નંબર 98 માં ઘૂસી લોખંડની જાળીનો નકુચો તોડી મકાનમાં પ્રવેશ્યા હતા। મકાનના બેડરૂમમાં સૂઈ રહેલા દંપતીને જગાડીને જે પણ વસ્તુ હોય તે આપી દેવા માટે કહ્યું હતું, જેથી દંપતીએ ગભરાઈને પહેરેલા સોનાના દાગીના અને લેપટોપ આપી દીધા હતા। જોકે મહત્વની વાત તો એ છે કે લૂંટ માટે આવેલા લૂંટારૂઓમાંથી એક લૂંટારાએ સ્માર્ટવોચ પહેરી હતી, જ્યારે બીજા લૂંટારા પાસે ગાડીની ચાવી હોવાનું ફરિયાદીએ જણાવ્યું હતું। 2 ઓગસ્ટે આવી રીતે લૂંટ થઈ હતી। બોપલગુમા લાલગીરી આશ્રમ પાસેના ઇસ્કોન ગ્રીન બંગલોઝમાં વેકરિયા પરિવાર સાથે આવી જ લૂંટની ઘટના ઘટી હતી।
आ लूटनी घटनामां 45 तोला सोनाना दागीना लूटाया हता। आ लूटनी घटनानो भेद पुलिसे 15 दिवसमां उकेली नाख्यो हतो। टीवी स्क्रीन पर जोवा मळता आ डबल विंडो पर एक नजर करो। एक विंडोमां 2 ऑगस्टनी लूटनी घटना छे, जर बीजा विंडोमां 30 ऑगस्टनी घटना छे। आ बंने घटनामां समान मोडस ऑपरेंडी छे। अगाउ झड़पायेल गेंग आदिवासी गेंग हती, परंतु आ लूटमां बीजी कोई गेंग होय तेवी आशंका छे। बोपल पोलीसे आ लूटनो भेद उकेलवा माटे टीमो बनावी चक्रो गतिमान कर्या छे। अनिता पटनी, वीटीवी न्यूज, अमदावाद।